नमस्कार दोस्तों, मैं केएलएस करने आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं जो कि अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म में। ठीक है, तो 2 दिन हो गए वीडियो नहीं आ पाई, तो कोई दिक्कत नहीं है, डोंट वेरी। और अब आएगी, डेली आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यहां पर वर्णमाला को कवर कर रहे हैं, वर्णमाला के छोटे छोटे स्टेप। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा? इसलिए कि आपके माइंड में सेट नहीं होता है पूरा पूरा वीडियो बनाने के लिए। तो मैंने सोचा आपको क्यों ना फैक्ट अलग अलग कर दिया जाए, जिससे कि आपको सारी सारी जो जानकारी है माइंड में सेट होती है। ओके, तो चलिए देखते हैं वीडियो। आज का टॉपिक रहेगा उच्चारण स्थान। क्या रहेगा? उच्चारण स्थान। और जो लोग सोच रहे हैं कि हम कैसे करें संस्कृत को, शुरू से कैसे करें, वीडियो मेरी पुरानी वीडियो पड़ी हुई है, उसको देखते चलिएगा। डेली डेली आप पढ़ते जाओगे तो अपडेट हो जाएगा। और अगर सोचोगे मैं इकट्ठा पढ़ लूंगा, 2-3 वीडियो इकट्ठी पढ़ लेंगे, तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। ओके, तो डोंट। चलिए, तो उच्चारण स्थान, पाणिनि शिक्षा में उच्चारण स्थानों की संख्या बताई गई 8। ठीक है, उच्चारण संख्या विशेषकर ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बनता। तो पाणिनि शिक्षा में उच्चारण को स्थान की संख्या बताई गई है 8। ओके, अब इसकी बात करें 8 जो है, तो 8 उनको भी कराऊंगा, लेकिन मुख्य रूप से और भी होते तो उनको भी साथ साथ। तो पहले आपका फर्स्ट पॉइंट को लेकर चलें तो आपका आता है सूत्रों के मुताबिक अकु विसर्जनिया नाम, अकु विसर्जनिया नाम कंठा। ठीक है, कहा है कि यहां पर आ जो है, तो यहां पर बड़ों को भी लिख देते, चाहे छोटा आ हो चाहे आपका बड़ा हो। ओके, यहां पर कु है, कु से मतलब होता है कवर, यानी कि यहां से कवर, और कवर में आने वाले वर्ड कौन कौन से, का खा गा घा और गां। इसको हम जल्दी से चलेंगे। ओके, क्योंकि ये आप लोगों को सभी को बहुत अच्छे से आते हैं, तो हमें इनको क्यों टाइम वेस्ट करें, आपको आते एक बार देख लेंगे, हो जाएगा। और आपका बचा हा, तो यहीं पर हा ले लेते हैं, और यहां है विसर्ग, तो विसर्ग आप। इन सभी वर्णों का क्या है, उच्चारण स्थान कंठ है। ओके, इन सभी का क्या है, कंठ। समझ गए, क्लियर है। दूसरे की बात करें, पॉइंट सेकंड, तो आपका आता है इचु ईसा नाम तालु, इचु यशा नाम तालु। ठीक है, अब कहा कि इनका क्या होगा, तो ई यानी कि छोटी या बड़ी। फिर आता चू, तो चू से क्या प्राय, चवर्ग। आप समझ रहे होंगे, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं चवर्ग। चवर्ग में आने वाले वर्ड च, छ, ज, झ और या, ये आपके आ जाते हैं। और या आ जाता है इसमें, और आपका सा। तो इन सा के तीन जो सा हैं, उनके वर्णों के जो उच्चारण स्थान वो अलग अलग क्या है, तो इन सभी का क्या हो गया, यहां पर लिख देते हैं कंठ हो गया, और यहां पर होते हैं चौसा नाम तालु। तो इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या हो गया, तालु। ओके, हाँ। तीसरा पॉइंट आपका है ऋतु रसाणाम, ऋतु रसाणाम मूर्धा। ठीक है, मूर्धा से सारे वर्ड बोले तो मुख से ही आते, लेकिन कुछ के जीवा आती है, कहीं मुला मुंह खुला हुआ रह जाता, कहीं ओष्ठ आते हैं, अनेक प्रकार के यहां पर जो है आपके जो मुखार बिंदु है या आपकी जो आकृतियां है बनती हैं। ठीक है, हाँ। तो चलिए री को ले लेते हो, वही पोजीशन, री छोटी या बड़ी री हो, तो हम जल्दी से करते हैं क्योंकि आप लोगों को पता चल गया। फिर आता टू का मतलब होता है टवर, तो टवर में टा ठा डा ढा और अड़ा, ये आपके आ जाते हैं। और यहां पर रा और सा, रा और सा, इससे क्वेश्चन बनते हैं। इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब आपका अगला फोर्थ नंबर का, ठीक है, ये चीज आपकी जो है मोस्टली इंपोर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा। और अगला है आपका, फटाफट लेते हैं, चौथे नंबर पर ऋतु लशा नाम दंता। क्या है, ऋतु लशा नाम दंत, ये आता है। तो भाई दंता आता है, तो यहां ऋतु का मतलब ली, ठीक है, और तू का मतलब तवर,
तू का मतलब तवर्ग, तो तवर्ग में ता था दा धा और ना। ओके, अब यहां पर आ रहा ला, तो ला को भी हम ले लेते हैं। अब यहां आ रहा सा, तो सा को भी। इन वर्णों का उच्चारण स्थान जो क्या है, तो दंत है। अब बहुत लोग सोच रहे हैं कि यहां पर लसा नाम सा नाम सा नाम क्यों आ रहा है, तो सानम इसलिए आ रहा कि ये षष्ठी बहुवचन का है। यहां पर वर्ण एक नहीं है, बहुत की बात की गई है, तो सभी वर्णों का आपस में है कि नहीं संबंध, तो इस वजह से यहां पर षष्ठी बहुवचन का प्रयोग किया गया। ओके, हाँ, तो ये क्लियर हुआ। आपका पांचवा, आपका पॉइंट है उपपद्मानिया नाम ओष्ठव, यानी कि ओष्ठ। ठीक है, इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है किनका? ऊ हो या बड़ा हो। पमाने पुमाने पवर्ग, ठीक है, तो पुमाने पवर्ग, पवर्ग पूरा, प फ बा भा और मा। यहां से क्वेश्चन मोस्टली आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान देना। अब पद्मा माने पद्मा, जो पद्मानी वर्ण है, यानी कि पद्मानी कौन से होते हैं? ये पवर्ग और आपका फवर्ग, ये पद्मानी होते। ठीक है, तो इन वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? ओष्ठ होता है। समझ गए? इतनी चीज समझ में आ गई। अब आपका अगला जो है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट यहां पर आता है आपका, जैसे आप यम गणना नाम नाशकाचार। ठीक है, छठवां पॉइंट को लेकर चलते हैं। गणना नाम नासिकाचा। ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला है, ये याद कर सको तो कर सको। कहा कि इसमें जो इन वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका होता है, तो हम यहां अलग लिख देते इन वर्णों का क्या होता है? नासिका। ठीक है, या नाशिक के, सॉरी यहां पर नाशिक या अनुनासिक, इन नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो ये विशेषकर आप याद रखना। सातवां आपका आता है कि आपको पूरा ए तो कंठताल, ए दौतो क्या होता है? ए दौतो कंठ तालु। ठीक है, अब ए दौतो कंठ तालु द्विवचन का प्रयोग किया गया। जब द्विवचन का प्रयोग किया जाता है तो वहां क्या होता है? द्विवचन का, तो यहां पर दो वर्ण होंगे, कौन कौन से? ए और आई। तो यहां पर उच्चारण स्थान किसका हो गया? ए और आई का उच्चारण स्थान क्या हो जाया? कंठ ताल। ओके, ये याद कर लेना विशेषकर। आठवें नंबर पे पॉइंट बात करते हैं, ओ दो तो कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। ठीक है, कंठोष्ठ, कंठोष्ठा बोला जाता, कंठ तालु बोला जाता ऐसे। तो अब कहा कि ओ, आपने यहां से मोस्टली इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो ओ और औ का जो उच्चारण स्थान है वो होता है कंठ और ओष्ठ। अलग अलग भी हम लिखते चल रहे हैं, कंठ और ओष्ठ, तो इसका विशेष ध्यान रखना। ये मोस्टली बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं यहां पर देखने के लिए। ठीक है, हाँ, आगे बात करते हैं नौमे का, बकारस्य दंतोष्ठ। कहा कि दंतोष्ठ, तो हम यहां पर मिलकर लिख देते हैं, लेकिन अलग लिख देंगे। तो वा का उच्चारण स्थान जो होता है वा का दंत और ओष्ठ होता है, तो दंत ओष्ठ, ये याद कर लेना। बिल्कुल यहां से पूछे जाते हैं और यही पूछे जाते हैं। आपने कोई एग्जाम उठा के देखो, सिंपल सा बहुत कम, या तो कंठ से पूछा जाएगा या यहां से, जो दो तीन दे हैं और यहां जो चार दे, मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ, समझ गए इतनी बात। अगला आपका है, आज हम उच्चारण स्थान की बात करेंगे, उच्चारण स्थान के लिए। ठीक है, तो अब आपका अगला जीवामूली, जीवा 10 नंबर का है, जीवा
मूली है। तो जीवा मूली क्या होता है? जीवा मूली जो वर्ड होते हैं वो आपके डायरेक्ट होते हैं, उनका उच्चारण स्थान होता है। जैसे का होगा तो ये वर्ग लगा होगा, इसे हम वर्ग बोलते हैं, का वर्ग और ख वर्ग, ठीक है, इनको हम जीवा मूली कहते हैं। आपने अयोगवाद पिछली वीडियो देखी हो तो अयोगवाद संख्या जो 4 है संस्कृत में अयोगवादों की, तो उसमें उपधमन्यु जीवा मूली को बताया गया। ओके ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ये आपके आ जाते हैं। और उच्चारण स्थान के अगर बात करें तो यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाता है, यहां से अलग नहीं जाएगा। तो जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को तो वो टेंशन ना ले, आपको पर डे एक वीडियो मिलेगी और आप एक से दो मिल सकती है, एक तो मिलेगी। कोई बात अगर ऐसी हो जाए कि नहीं आ पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। ओके ना, कोई दिक्कत नहीं है, और डिटेल में हम कवर करेंगे पूरी की पूरी संस्कृत। तो प्रत्येक वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। आप सबके बीच में पधारता रहूंगा जिससे कि आपको यहां से बेस्ट करके दिखा दूंगा। जो आप देख रहे हो ना ऊपर लिखा है, यूपी टेट हो चाहे आपका सुपर टेट हो, चाहे आपका एमपी टेट हो, चाहे आपका अदर स्टेट टेट कोई भी हो, ठीक है, इसमें आपके बहुत मोस्टली इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट है और काम आने वाला है। वीडियोज हमेशा 10 से 15 या 20 मिनट की रहेगी, ज्यादा की नहीं रहेगी, ठीक है। तो उच्चारण स्थान की दृष्टि से हमने ये काम किया है और आपको उच्चारण स्थान की दृष्टि से इसमें पढ़ लेना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ओके हाँ, अब हम लोग आगे बात करें नेक्स्ट वीडियो के लिए, जो कि आपके अभ्यंतर प्रयत्न है, बाह्य प्रयत्न है, उनको लेकर। मोस्टली आप यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं ट्रिक के अनुसार। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।